साइज रिडक्शन, किसी भी ड्रग की अगर सोलिबिलिटी बढ़ानी हो, डिजोल्यूशन बढ़ाना हो, एब्जॉर्प्शन बढ़ानी हो, बायो अवेलेबिलिटी या फिर थेरापेटिक एफिकेसी को बढ़ाना हो, तो साइज रिडक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। साइज रिडक्शन होता क्या है? साइज रिडक्शन एक यूनिट ऑपरेशन है जिसमें हम किसी भी मटेरियल को कोर्स पार्टिकल या फिर फाइन पाउडर में उसको जो है कि कन्वर्ट करते हैं, किसी भी डोजेस फॉर्म को फॉर्मुलेट करने से पहले। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में जो है कि हम देखने वाले हैं साइज रिडक्शन मिल्स को। आज हम टोटली मिल्स पर बात करेंगे, उसमें भी हम मिल्स के अंदर क्या देखेंगे, मिल्स देखेंगे साइज रिडक्शन के लिए, जो मिल्स यूज़ की जाती हैं, जो इक्विपमेंट यूज़ करते हैं साइज रिडक्शन के लिए, उनके बारे में हम देखेंगे। जैसे मिल्स देखेंगे, प्रिंसिपल देखेंगे, किस प्रिंसिपल पर या फिर किस एक्शन पर जो है कि कोई पर्टिकुलर मिल वर्क करती है, किस तरह से, कौन से प्रिंसिपल पर वो साइज रिड्यूस करती है, और उसके बाद देखेंगे प्रोडक्ट साइज, मतलब कि उस मिल से हम कितने साइज तक का जो है कि प्रोडक्ट किसी भी पाउडर को बना सकते हैं। देन हम बात करेंगे उसी के बारे में, जानेंगे यूज्ड फॉर कोई भी मिल किस तरह के पार्टिकल किस तरह के मटेरियल को साइज रिड्यूस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स होते हैं कोर्स सॉफ्ट, तो हम कौन से मटेरियल के लिए कौन सी मिल यूज़ करेंगे वो भी हम देखने वाले हैं, और मिल्स में देखेंगे कि ये वाली मिल्स हम किस मटेरियल के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कटर मिल की। कटर मिल क्या होती है स्टूडेंट्स? ये कटर मिल आप यहाँ पर स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, इसका यहाँ पर इमेज लगी हुई है। ये इस तरह से एक मिल होती है गोल, जिसके अंदर कटर लगा हुआ होता है यहाँ पर, और यहाँ ऊपर हॉपर होता है जिससे जो कि कोई भी मटेरियल को अंदर इनलेट किया जाता है। ये कटर यहाँ पर जो है कि रोटेट करता रहता है, इसके बाद जो भी मटेरियल इसके कॉन्टेक्ट में आता है वो कट कट के जो है कि रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में देख लेते हैं। कटर मिल इसको बोलते हैं, ये प्रिंसिपल इसका क्या है, किस बेस पर ये वर्क करती है, सो इट वर्क्स ऑन कटिंग प्रिंसिपल। ओके, ये किसी मटेरियल का साइज किस तरह से रिड्यूस करती है, कटिंग करके यूज़ करती है। ठीक है, किसी भी कोई हम मटेरियल लेंगे जिसका साइज पार्टिकल साइज बड़ा होता है, तो ये उस पार्टिकल को कट कर छोटा कर देती है। इससे जो प्रोडक्ट निकलता है, मतलब इससे अगर हम कोई साइज रिड्यूस करते हैं किसी मटेरियल का, तो इससे 0.5 से लेके 0.01 सेंटीमीटर तक का जो है कि हम प्रोडक्ट ले सकते हैं, मतलब इतना छोटा इसका ये पार्टिकल साइज कर सकती है। किस लिए यूज़ की जाती है? जो फाइबरस मटेरियल होते हैं, टफ होते हैं एंड सॉफ्ट मटेरियल होते हैं, उनके लिए हम कटर मिल को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो और कैसे मटेरियल के लिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते? सो इट इज़ नॉट यूज फॉर फ्राइबल मटेरियल, ऐसे मटेरियल जो फ्राइबल होते हैं उनके लिए हम कटर मिल का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारी कटर मिल होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट मिल देखेंगे रोलर मिल। रोलर मिल क्या होती है स्टूडेंट्स? आप यहाँ पर देख सकते हैं इमेज में, इस तरह से रोलर लगे हुए, तो ऊपर से जो है कि मटेरियल गिरता है और ये रोलर ये है कि इनके ऊपर चलते हैं। ठीक है, इसकी वजह से इन रोलर्स के बीच में आकर जो है कि मटेरियल का जो साइज रिड्यूस हो जाता है इसके बीच के अंदर आकर। ठीक है ना, तो ये किस बेस पर काम करेगी दोस्तों? सो रोलर मिल जो होती है हमारी कंप्रेशन के प्रिंसिपल पर वर्क करती है। ये क्या करती है? मटेरियल को रोलर के थ्रू उनको कंप्रेस करती है, जिसकी वजह से जो है कि मटेरियल के पार्टिकल्स टूट जाते हैं कंप्रेशन की वजह से, फोर्स लगाती है, सो मटेरियल्स के पार्टिकल ब्रेक हो जाते हैं और छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। इससे भी हमारा 0.5 से लेके 0.01 सेंटीमीटर तक के हम प्रोडक्ट ले सकते हैं। ठीक है, ये भी जो इसका भी जो रेंज है हमारी पार्टिकल साइज रिड्यूस करने की, वो भी 0.5 से लेके 0.01 सेंटीमीटर है। इसको हम किस मटेरियल के लिए यूज़ करेंगे? सो इट इज़ यूज फॉर सॉफ्ट मटेरियल। सॉफ्ट मटेरियल है तो उसके लिए हम रोलर मिल ले सकते हैं। क्रैकिंग सीड्स को क्रैकिंग करने के लिए अगर कोई भी एक्सट्रेशन निकाल लिए हमें सीड्स की, तो उसको जो है कि क्रैक करने के लिए, ब्रेक करने के लिए हम रोलर मिल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो कैसे मटेरियल के लिए हम इसको यूज़ नहीं करेंगे? सो एब्रेसिव मटेरियल जो होते हैं ना, उनके लिए हम रोलर मिल का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, एब्रेसिव मटेरियल के लिए इसका यूज़ नहीं करेंगे। बाकी सॉफ्ट मटेरियल क्रैकिंग सीड को क्रैक करने के लिए रोलर मिल का यूज़ किया जाता है। आगे बात करेंगे हैमर मिल का। सो हैमर मिल इनसे रिलेटेड क्वेश्चन स्टूडेंट्स जीपेट में हर बार पूछ लिया जाता है। एक ना एक क्वेश्चन मिल्स के ऊपर, उसके प्रिंसिपल के ऊपर ज़रूर आ जाता है कि कौन सी मिल है जो किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है और कितने पार्टिकल साइज का प्रोडक्ट हमें दे देती है, और कौन सी मिल कौन से
तरह के मटेरियल के लिए यूज़ नहीं कर सकते, तो इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये टॉपिक मैंने इम्पोर्टेंट लिया है। ठीक है, हैमर मिल आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह का रोलर लगा हुआ होता है जिसके अंदर इस तरह से हैमर लगे हुए होते हैं। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं, ये हमारा हॉपर इनलेट होता है, यहाँ से मटेरियल को डाला जाता है और ये यहाँ पर रोटेट करता रहता है स्पीड में। अब जैसे ही मटेरियल इसके कॉन्टेक्ट में आता है हैमर्स के और नीचे, सो ये यहाँ से इनसे टकरा के हैमर के फोर्स की वजह से ये ब्रेक होने लगता है और ये नीचे इस तरह से सीव टाइप की लगी हुई होती है, इनमें से जो है कि पार्टिकल एक पर्टिकुलर साइज के पार्टिकल्स नीचे निकल जाते हैं जितने हमें चाहिए होते हैं, बाकी यहीं पर रोटेट हो के और हैमर्स की वजह से ब्रेक होने लगते हैं। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे तो ये जो हमारी हैमर मिल होती है कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करती है, इम्पैक्ट के। ठीक है, इनके ऊपर ऊपर से इम्पैक्ट करती है मटेरियल के ऊपर, हैमर जो है कि टकराते हैं इस सीव और हैमर्स के बीच में जो पार्टिकल होते हैं वो आकर टूट जाते हैं। ठीक है, हैमर ऊपर से इनको इम्पैक्ट करते हैं तो इस वजह से जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक होकर नीचे निकल जाते हैं। सो हैमर मिल हमारी इम्पैक्ट के प्रिंसिपल पर काम करती है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है जीपेट में। ठीक है, प्रोडक्ट साइज़ की बात करें सो इट इज़ ऑल्सो गिव्स 0.5 to 0.001 सेंटीमीटर के हमको ये प्रोडक्ट दे देती है। ठीक है, अगर इससे हम ब्रेक करेंगे तो इतने साइज तक का हमको पाउडर जो है कि पार्टिकल रिड्यूस हो जाते हैं। सो ये किस तरीके के मटेरियल के लिए यूज़ किया जाता है, वैसे दिया फॉर ऑल टाइप ऑफ मटेरियल एक्सेप्ट एब्रेसिव मटेरियल। एब्रेसिव मटेरियल के अलावा हम इसको सभी तरीके के मटेरियल्स को साइज रिड्यूस करने के लिए इसको हैमर मिल को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंसिपल पर काम करती है, 0.5 से लेकर 0.01 सेंटीमीटर तक का प्रोडक्ट हमको दे देती है। ठीक है, सभी तरीके के यूज़ कर सकते हैं मटेरियल बट एब्रेसिव मटेरियल को छोड़कर। ठीक है, चलिए अगली बात करेंगे फ्लूइड एनर्जी मिल। फ्लूइड एनर्जी मिल क्या होती है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें फ्लूइड और एनर्जी के जो है कि हेल्प से हम किसी भी मटेरियल का साइज रिड्यूस करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, यहाँ से फ्लूइड का इनलेट होता है, ये नोजल्स लगी हुई होती है और यहाँ पर हम एयर वगैरह इन सब का इनलेट करते हैं। यहाँ पर मटेरियल इसके अंदर रन करता रहता है और जो मटेरियल का साइज रिड्यूस होता है वो यहाँ से निकलने लगता है। ठीक है, तो ये किस बेस पे वर्क करेगी, सो फ्लूइड एनर्जी मिल जो होती है हमारी इम्पैक्ट एंड एट्रिशन के बाद, इसमें इम्पैक्ट भी पड़ता है पार्टिकल्स पर और एट्रिशन भी होता है। ठीक है, तो दोनों तरीके से ये काम करती है, इसमें दोनों प्रिंसिपल जो है कि वर्क करते हैं, इम्पैक्ट का भी और एट्रिशन का भी। सो फ्लूइड एनर्जी मिल दोनों प्रिंसिपल पर वर्क करती है, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है और एक पूछा जा चुका है बहुत बार। ठीक है, इसमें प्रोडक्ट साइज निकलता है 1 to 30 माइक्रोन, 30 माइक्रोन तक का पाउडर साइज जो पार्टिकल साइज हम रिड्यूस कर सकते हैं इससे। ठीक है, फ्लूइड एनर्जी मिल से ये किस किस के तरीके के मटेरियल के लिए यूज़ की जाएगी, हार्ड एंड फ्राइबल के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, हार्ड मटेरियल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेवाइल सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जो लेवाइल होते हैं हीट या फिर किसी भी अदर ऐसे की वजह से जो कि ख़राब हो सकते हैं उनके लिए फ्लूइड एनर्जी मिल बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है। जैसे विटामिन्स हुए, एंजाइम्स, हार्मोन, इनको अगर ये ऐसे होते हैं थोड़े से भी अगर कोई भी सिचुएशन या कंडीशन चेंज होती है तो ये डिग्रेड होने लगते हैं, बट इनको अदर दूसरी मिल्स में डाला जाए तो मे बी ये ख़राब हो सकते हैं, बट अगर हम फ्लूइड एनर्जी मिल के थ्रू इनको इनका साइज रिड्यूस करें तो ये आराम से हम कर सकते हैं। ठीक है, कैसे मटेरियल के लिए यूज़ नहीं कर सकते हम, सॉफ्ट एंड स्टिकी मटेरियल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चिपक जाएगा स्टिकी मटेरियल, सो ऐसा मटेरियल जो सॉफ्ट ज़्यादा हो और स्टिकी मटेरियल हो तो वो हम फ्लूइड एनर्जी मिल में यूज़ मतलब उसके लिए हम फ्लूइड एनर्जी मिल यूज़ नहीं कर सकते हैं उसके साइज रिडक्शन के लिए। ठीक है ना, सो इट इज़ अ फ्लूइड एनर्जी मिल, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन के प्रिंसिपल पर वर्क करती है और जो कि इसका प्रोडक्ट साइज 1 to 30 माइक्रोन होता है, याद कर लेना। ठीक है, इसका PDF अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बता देना, या फिर आप हमारा जो है कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप टारगेट जीपेट का ऑफिशियल आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आपको वहाँ पर सारे PDF नोट्स वगैरह जो कि जीपेट से रिलेटेड हम अवेलेबल कराते रहते हैं। ठीक है, तो आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट बॉल मिल की। सो वॉल मिल आपने ये तो देखा होगा, कुछ इनमें से आपने प्रैक्टिकल बी फॉर्म में किए भी होंगे। सो वॉल मिल आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह का एक वो होता है बॉक्स राउंड शेप का जिसके अंदर जो है कि कुछ कट्स बने हुए होते हैं और इसमें मटेरियल को डालकर और कुछ मेटल्स की बॉल उसके साथ डाल दी जाती है। ठीक है, सो जैसे ही ये रोटेट करती है तो जो इतनी बॉल उस मटेरियल के ऊपर भी गिरती हैं रोटेट होके और मटेरियल को जो है कि साइज रिड्यूस होने लगता है इसमें। ठीक है, तो ये वॉल मिल
के बारे में देखते हैं। ये भी हमारी इम्पैक्ट एंड एट्रिशन के उस पर काम करती है, क्योंकि जैसे ही बॉल इसके ऊपर गिरती है तो इम्पैक्ट पड़ता है, और बॉल के बीच में आकर जो है कि पाउडर ब्रेक होता है, तो एट्रिशन भी इसमें लगता है। ठीक है, सो बॉल मिल का जो है कि प्रिंसिपल आप देख सकते हैं इम्पैक्ट एंड एट्रिशन पर काम करती है, ये भी आप याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉल मिल का तो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन बॉल मिल से रिलेटेड। ठीक है, ठीक है ना। इसका प्रोडक्ट साइज आप देख सकते हैं 0.01 सेंटीमीटर का हमको इससे हम ले सकते हैं पार्टिकल साइज, इतनी रेंज तक हम रिड्यूस कर सकते हैं। इस तरह के मटेरियल के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं वॉल मिल को। सो सॉफ्ट फाइबरस मटेरियल के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, एंड सीरियल ग्राइंडिंग के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, बट हार्ड एंड एब्रेसिव मटेरियल के लिए ये बेनिफिशियल नहीं होगी। इससे ज़्यादा हार्ड मटेरियल ब्रेक नहीं होगा, और एब्रेसिव मटेरियल भी इसमें हम नहीं कर सकते रिड्यूस। ठीक है, बाकी सॉफ्ट फाइबरस मटेरियल कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। इंपैक्ट एंड एट्रिशन के प्रिंसिपल पर बॉल मिल काम करती है। ठीक है ना, फ्लूइड एनर्जी मिल भी हमारी इंपैक्ट और एट्रिशन के बेस पे ही काम करती है, जैसा कि हमने पीछे देखा था। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे रनर मिल। रनर मिल जो होती है हमारी स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह की एक जो होता है जिसमें रनर ये लगे हुए होते हैं, गोल गोल हैवी होते हैं बहुत ज़्यादा, ये इस तरह से रोटेट करती है, और जिसके बीच नीचे जो पाउडर रहता है वो जो है कि आके क्रश होने लगता है। ठीक है, और ये कंटिन्यूसली रोटेट करता रहता है, और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको ऊपर नीचे भी कर लिया जाता है, ऐसा नहीं कि यहीं पर जमा हुआ रहता है, ये इसमें लगे हुए थे ताकि उसको अलट पलट भी होता रहे मटेरियल, और इससे ब्रेक होता रहे। ठीक है, चलिए इसके बारे में देख लेंगे। रनर मिल जो होती है हमारी क्रशिंग एंड शेयरिंग के प्रिंसिपल पर काम करती है। ठीक है, रनर मिल क्रश करती है और शेयरिंग के शेयर स्ट्रेस पे लगाती है और क्रश करती है। सो क्रशिंग एंड शेयर के प्रिंसिपल पर ये हमारी काम करेगी। इसका प्रोडक्ट साइज 0.1 से लेकर 0.5 से लेकर 0.01 सेंटीमीटर रहता है रनर मिल का। ठीक है, फाइबरस टफ और स्टिकी मटेरियल के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और लेकिन हार्ड और एब्रेसिव मटेरियल के लिए इसको भी यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है ना, बॉल मिल को भी ना इसको कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको हार्ड एंड एब्रेसिव मटेरियल के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो ये थी हमारी कुछ साइड रिएक्शन मिल्स स्टूडेंट्स। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आप इस वीडियो को एक दो बार ज़रूर देखिए और इसके नोट्स बना लीजिए। आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप ऑफिशियल आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अप टू द वेरी एंड। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।